क्या दोस्तों हेयर कट में कोई डिग्री 180 डिग्री के ऊपर हो सकती है? यानी जब भी हम हेयर कट करते हैं तो हेयर कट में कोई डिग्री 180 डिग्री, जैसे कि 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, ऐसी कोई डिग्री होती है? मैंने तो देखा है कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं कि हेयर कट में 270 डिग्री होती है, -45 डिग्री होती है। इवन मैंने तो एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, उसमें वो हेयर स्टाइलिस्ट कह रहा था 360 डिग्री हेयर कट। क्या सच में ऐसी कोई डिग्री होती है? आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग डिग्रीज या जो हेयर स्टाइलिस्ट अलग अलग डिग्रीज की बात करते हैं वो क्या सच में राइट है या रॉन्ग है। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के ट्रेनिंग वीडियो में, जो होने वाला है डिग्रीज पर, यानी जिसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट जो अलग अलग डिग्रीज की बात करते हैं वो डिग्रीज कितनी हद तक सही या रॉन्ग है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से हम जो हेयर कट में डिग्रीज यूज़ करते हैं वो 0 से लेके सिर्फ 180 डिग्री तक होती है। उसके अलावा जो भी हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ओवर डिरेक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। दोस्तों हम लोग जो हेयर कट में डिग्रीज यूज़ करते हैं वो डिग्रीज होती है 0 से लेके सिर्फ 180 डिग्रीज। मेरे हिसाब से 270, 360, -45 ऐसी कोई डिग्रीज नहीं होती है। बाकी सब जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं ओवर डिरेक्शन। मैं आपको इसे और प्रैक्टिकली अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से हम जो हेयर कट में डिग्रीज यूज़ करते हैं वो डिग्रीज 0 से लेके 180 डिग्री तक होती है। याद रखिए ये जो डिग्रीज होती है ये 0 से लेके 180 तक होती है। इसके अलावा जो भी हम बालों को ट्रैवल करते हैं, जिसे हम बहुत सारे लोग डिग्रीज की बात करते हैं, उसे हम डिग्री नहीं कहते, उसे हम कहते हैं ओवर डिरेक्शन। यानी हम 180 डिग्री के ऊपर जहाँ भी बालों को ट्रैवल करते हैं उसे हम कहते हैं ओवर डिरेक्शन। फिर ये बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि हेयर कट में -45 डिग्री होती है, 270 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, ऐसी अलग अलग डिग्रीज होती है जो 180 के ऊपर है? हो सकता है शायद मैं गलत हूँ या मुझे पता नहीं, या जो ये हेयर स्टाइल्स ये अलग अलग डिग्रीज की बात करते हैं ये गलत तरीके से आपको डिग्रीज की जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मुझे डिग्रीज के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज है कि डिग्रीज हेयर कट में भी या हेयर की भी डिग्रीज होती है। इवन आप जब फिंगर होल्ड करते हो, यानी कटिंग करते हो, आप जो फिंगर लेते हो उसकी भी अलग अलग डिग्रीज होती है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो हेयर कट में कोई 180 डिग्री के ऊपर डिग्री नहीं होती है। मैं आपको इसे एक सिंपल एग्जांपल या कुछ टेक्निक से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, जो हम लोग हेयर कट में जो डिग्रीज की बात करते हैं वो डिग्रीज को कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक है डिग्रीज अकॉर्डिंग टू ग्राउंड लेवल और दूसरा तरीका है डिग्रीज अकॉर्डिंग टू हेड शेप। और मोस्टली मैंने देखा है हम इंडिया में डिग्रीज अकॉर्डिंग टू हेड शेप देखते हैं, यानी जो क्लाइंट का हेड शेप है वो हेड शेप के अकॉर्डिंग हम डिग्रीज को स्टडी करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए इस प्रोट्रैक्टर को, ये आपके बच्चों के स्कूल में आपने देखा होगा, और इस प्रोट्रैक्टर भी आप इस यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ की जो डिग्रीज होती है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक होती है। यानी अगर आप हेड शेप में देखोगे, हेड शेप जब भी हम लोग हेड शेप के अकॉर्डिंग डिग्रीज की बात करते हैं तो उसमें आपको 0 से लेके 180 डिग्री तक होती है। फिर ये हेयर स्टाइलिस्ट, ये बड़े बड़े जो हेयर स्टाइलिस्ट है ये 270 व 360 डिग्री या अलग अलग डिग्रीज कहाँ से लेके आते हैं? डिग्रीज में अगर आप देखोगे तो डिग्रीज हमेशा 0 से लेके 180 डिग्री तक होती है। और अगर मैं आपको 360 डिग्री की बात करूँ तो 360 डिग्री का मतलब होता है ये 0, यहाँ से डिग्री आ गई 180 और ये वापस घूम के यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो उसे हम कहेंगे 360। यानी 360 डिग्री में क्या करते हैं हम, अगर 360 डिग्री के हिसाब से हेयर कट की बात करें तो हम बालों को जहाँ से है वहाँ से पूरा घुमा के उसी जगह पर ट्रैवल करेंगे तो उसे हम 360 डिग्री हेयर कट कहेंगे या उसे हम 360 डिग्री कहेंगे। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, तो फिर ये अलग अलग हेयर स्टाइलिस्ट जो रहते हैं वो ये 360 डिग्री या ये अलग अलग डिग्री से ये कहाँ से कैसे लाते हैं और कैसे सिखाते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं है। और रियली मुझे शौक लगा जब मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ कि लोग 360 डिग्री पर हेयर कट करते हैं। दोस्तों मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ कि हेयर कट में डिग्रीज जो होती है ये 0 से लेके 180 डिग्री तक होती है। वहाँ कोई भी डिग्री 270 या 360 या ऐसी कोई डिग्री नहीं होती, क्योंकि अगर आप हेड शेप को देखोगे तो आपके हेड में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही बाल होते हैं कि ये अलग अलग डिग्रीज क्या होती है, कैसी होती है। और सच में हेयर कट में कोई 260, 270 या 360 नाम की कोई डिग्री होती है। दोस्तों अब आपको मैं ये डी के हिसाब से जो या जिसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, ये आपके बच्चों के कंपास में होता है जैसे मैंने कहा, इसके हिसाब से आपको डिग्री को एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है 0 डिग्री, उसी तरह यहाँ पे होती है आपकी 90 डिग्री, और ये लास्ट होती है आपकी 180 डिग्री। यानी आप हम जो हेयर कट करते हैं वो इन डिग्रीज के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी अगर सपोज मैं ये कोम लेता हूँ, ये कोम को मैं ऐसे रखता हूँ तो ये आपकी होती है 90 डिग्री, उसी तरह ये कोम को अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो ये होती है आपकी 0 डिग्री, और इसी तरह कोम को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये होती है हमारी 180 डिग्री। यानी अगर मैं अगर हेड की बात करूँ, देखो यहाँ पर हेड पर अगर मैं ये कोम को हेड पर ऐसे रखता हूँ इस एंगल में तो ये होती है आपकी 90 डिग्री, ये होती है आपकी 0 डिग्री, और ये आपकी होती है 180 डिग्री। यानी हेड को अगर मैं ऐसे रख हेड पर ये प्रोट्रैक्टर को ऐसे रखता हूँ, याद रखिए, तो ये आपकी हो गई 90 डिग्री, ये आपकी हो गई 0 डिग्री, और ये आपकी हो गई 180 डिग्री। उसी तरह सपोज मैं यहाँ पर ये देखिए ये अपना आपका स्काल्प का ये वाला एरिया पर अगर ऐसे रखता हूँ तो ये होती है आपकी 90 डिग्री, ये होती है आपकी 0 डिग्री, और ये होती है आपकी 180 डिग्री। यानी अगर वापस देखिए ये मेरी है 90 डिग्री, और अगर मैं इसको स्काल्प पर ऐसे घुमाता हूँ इस एंगल से तो हमारी डिग्रीज आपको दिखाई देगी। जैसे हमारा स्काल्प का फ्लो चेंज होता है, यानी स्काल्प का शेप चेंज होता है, वैसे हमारी डिग्रीज चेंज होती है। इसे कहते हैं हेड शेप के अकॉर्डिंग डिग्रीज को यूज़ करना, याद रखिए हेड शेप के अकॉर्डिंग, यानी आपका जो हेड शेप है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिग्री चेंज होती है। जैसे आपका हेड का शेप चेंज होता है वैसे आपकी डिग्री चेंज होती रहती है, और इसी हम कहते हैं डिग्रीज अकॉर्डिंग टू हेड शेप। वापस एक बार समझिए, अगर मैं यहाँ के बालों को यानी ये वाले बालों को यहाँ पर ट्रैवल करता हूँ तो इसे हम कहते हैं 90 डिग्री। उसी तरह अगर मैं यहाँ का बाल लेता हूँ, देखिए यहाँ का बाल, उसे मैं यहाँ ट्रैवल करता हूँ तो ये होती है हमारी 90 डिग्री। उसी तरह अगर मैं सपोज यहाँ के बाल लेता हूँ, इसे मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ, देखिए एक मिनट, अगर मैं इसे ऐसे ट्रैवल करता हूँ तो हमारी होती है ये 90 डिग्री। यानी हमारी डिग्री जो होती है ये हेड शेप के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फिर से एक बार बताओ, ये आपकी होगी हेड शेप के अकॉर्डिंग, ये आपकी 90 डिग्री, ये आपकी 180 डिग्री, और ये आपकी 0 डिग्री। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो ये होता है आपका 90 डिग्री, ये ऊपर आपका आता है 180 डिग्री, और यहाँ नीचे जो आता है ये आपका होता है 0 डिग्री। गॉट इट? तो दोस्तों अगर हम डिग्रीज की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो 0 से लेके 180 डिग्री तक होती, फिर ये 270 या 360 डिग्री या -45 डिग्री कहाँ से आती है? अगर देखिए मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ये वाला बाल लेता हूँ, जैसे मैंने पहले का, ये होगी आपकी 90 डिग्री, याद रखिए ये आपकी हो गई 90 डिग्री, इसे हम कहेंगे 0 डिग्री। अगर इससे ऊपर हम ट्रैवल करते हैं तो इसे हम कहते हैं 180 डिग्री, और बहुत सारे हेयर स्टाइल इसे आगे ट्रैवल करते हैं तो इसे लोग 360 270 डिग्री से अलग अलग नाम से पहचानते हैं, जो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। क्यों मालूम है? ये आपकी होती है 180 डिग्री। उसके अगर आप बालों को आगे लेते हो तो आप यहाँ ध्यान से देखो तो बाल यहाँ से बेंड हो रहा है, और इसी बेंड जब भी होता है तो उसे हम कहते हैं ओ डिरेक्शन। यानी डिग्री बालों की तो 180 रहेगी, बाकी ये बाल आगे बेंड हो गया, और ये बेंड कोई डिग्री नहीं होती, ये बेंड मतलब होता है आपका ओ डिरेक्शन। तो फिर ये हमें जो सिखाया जाता है कि 270 डिग्री या 360 डिग्री, ये पूरी तरह गलत बात है। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको बात बताऊँ, अगर ये एग्जाम्पल 360 की बात करूँ तो 360 का मतलब क्या होता है? आपका पूरा घूम के एक ही जगह, नहीं 360 की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा बाल जो है, ये हेयर जो है पूरा घूम के इसी जगह पर वापस आते हैं, तो उसे हम कहते हैं 360 डिग्री, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसका मतलब जो हेयर स्टाइलिस्ट 360 डिग्री की बात करते हैं या 270 डिग्री की बात करते हैं, ये प्रैक्टिकली ऐसी कोई डिग्री होती ही नहीं। यानी दोस्तों याद रखिए, हम जो हेयर कट में डिग्रीज यूज़ करते हैं ये हमेशा 0 से लेके 180 डिग्री तक होती है, बाकी ये लोग जो 270 डिग्री, 360 डिग्री या -45 डिग्री ऐसे कोई अलग अलग डिग्रीज के नाम रहते हैं, वो प्रैक्टिकली हेयर कट में पॉसिबल नहीं। आई होप दोस्तों आपको ये डिग्रीज क्या होती है इसके बारे में थोड़ी बहुत तो आइडिया आ गई होगी। अभी इसके बाद हम बात करते हैं ये ओवर डिरेक्शन क्या होता है, थोड़ा हम इस ओवर डिरेक्शन कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ओवर डिरेक्शन का मतलब होता है कि बालों को किसी और जगह पर ट्रैवल करना, यानी उसका जो नेचुरल फॉल है उस फॉल से कहीं और जगह पर ट्रैवल करना और कट करना। फॉर एग्जांपल सपोज ये मैं यहाँ के बाल लेता हूँ,
ये मेरे बालों की होती है 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू हेड शेप, ये होगी 90 डिग्री। यहाँ के बाल अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये होगी 90 डिग्री। और इस बालों को मैं कहीं और ट्रेवल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे आगे लेता हूँ, या सपोज मैं इसे पीछे लेता हूँ, या सपोज मैं इसे ट्रैवल करके इस तरफ लेता हूँ, तो इसे हम कहते हैं ओ डिरेक्शन। तो ओ डिरेक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन यहाँ मैं आपको दो टेक्निक बताने वाला हूँ, जिसमें से एक है फ्रंट ओ डिरेक्शन। यानी फ्रंट ओ डिरेक्शन में हम क्या करते हैं, पीछे के बालों को आगे ट्रैवल करते हैं, जैसे इस पे लिखा है, जिसे हम कहते हैं फ्रंट ओ डिरेक्शन। याद रखिए, पीछे के बालों को आगे ट्रैवल करना है, इसे हम कहते हैं फ्रंट ओ डिरेक्शन। उसी तरह आगे के बालों को जब भी आप पीछे ट्रैवल करते हो, यानी बैक की तरफ लेते हो, तो उसे हम कहते हैं बैक ओ डिरेक्शन। अगर आपको ये ओ डिरेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल या अच्छी तरह समझना है, तो आप हमारे गाइडलाइन एंड ओ डिरेक्शन के वीडियो को ज़रूर देखिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाइडलाइन क्या होती है, गाइडलाइन कितनी टाइप्स की होती है, फिर ये ओ डिरेक्शन कंसेप्ट क्या है उसके बारे में बात की है। तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए। आई होप दोस्तों आपको ये डिग्रीज क्या है, ये ओ डिरेक्शन कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो आइडिया आ गई होगी। फिर भी आपके माइंड में कोई शंका या कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।